स्वच्छता अभियान के तहत शुक्रवार को मारवाड़ इंटर कॉलेज के सभागार में मारवाड़ बिजनेस स्कूल राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर का रंगारंग शुभारंभ हुआ। मारवाड़ बिजनेस स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मारवाड़ बिजनेस स्कूल के राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में विशेष आवासीय शिविर वार्ड संख्या 51 के तुरहा टोला मलिन बस्ती में लगाया गया है। शिविर में मद्यपान निषेध, भ्रूण हत्या न हो, पॉलीथीन का प्रयोग न हो, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों विरोध में और सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं के बारे में राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाइयों से 150 स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएं 7 दिनों तक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। शिविर के शुभारंभ के अवसर पर प्रसिद्ध उद्योगपति पुरुषोत्तम रमैया नायका, मारवाड़ बिजनेस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी, मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रामनाथ गुप्ता, NSS के कार्यक्रम समन्वयक प्रमोद त्रिपाठी सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिका हैं मौजूद रहे और छात्र छात्राएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मारवाड़ बिजनेस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा, बिजनेस स्कूल के राष्ट्रीय सेवा योजना के 3 इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में विशेष आवासीय शिविर लगाया गया है। वार्ड नंबर 51 के तुरहा तोला मलिन बस्ती में 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक विभिन्न तरह के आयोजन होंगे। अभियान चलेगा, स्वच्छता अभियान चलेगा, सफाई के लिए जागरूकता अभियान चलेगा, मद्यपान निषेध के लिए, भ्रूण हत्या न हो, पॉलीथीन का प्रयोग न हो, तमाम कुरीतियाँ न हो, राष्ट्रीय जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सबको मिले इसकी जानकारी देना, व्यवस्थित तरीके से रहना, औपचारिक जीवन, सामाजिक सरोकार, सीखना और सिखाना, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मोटो है, मैं नहीं तुम, नॉट फॉर मी बट यू, इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समाज में जागरूकता फैलाते हुए स्वयंसेवक सेविकाओं के विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के यह 7 दिवसीय विशेष आवासीय शिविर लगाई गई है। इसमें तीनों इकाइयों के 150 स्वयंसेवक सेविकाओं के व्यक्तित्व के विकास को केंद्र में रख करके समाज के अन्य लोगों के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से स्वयंसेवकों के बौद्धिक सामाजिक क्षमता का विकास करने का उद्देश्य इस शिविर का है।